Hey everyone, I am C.H. Khandelwal and I teach DT at CA Final Level. Guys, आपका कल DT का पेपर है एंड उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो कि आपको पूछ सकती है, जो कि आपको काम आ सकती है questions में. तो वो important dates मैंने आपके लिए compile कर लिए, don't worry. सबसे पहले सुनिए, depreciation on motor vehicles. तो देखो normally क्या होता है, depreciation on motor vehicles 15% होती है normal vehicle के and if business of running them on hire है तो 30% होती है, right? But अगर acquired and put to use है between 23 August 2019 to 31-3-20 तो वो 30% and 45% हो जाता है रेट, ठीक है? ये बहुत बार MCQs में पूछता है, इसलिए मैं सोचा बता देता हूँ ये वाला. सेकंड, सेक्शन 115 BAB, बेटा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, अगर 115 BAB पूछा ना तो ये चीज टेस्ट करती है बहुत बार. सेक्शन 115 BAB एप्लीकेबल होने के लिए आपकी कंपनी सेटअप होनी चाहिए ऑन और आफ्टर 1-10-2019 के बाद सेटअप होनी चाहिए. तो ये डेट एकदम इंपॉर्टेंट है, याद कर लो 1-10-2019. इसके बाद बेटा TDS अंडर सेक्शन 194Q, ठीक है? तो TDS अंडर सेक्शन 194Q ये आया है बेटा 1 July 2021 से. कब से आया है? 1 July 2021 से. अभी क्या हो गया ना कि जब TDS अंडर सेक्शन 194Q लगता है एंड 206C 1H सेक्शन लगता है तो उन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, 194Q प्रिवेल करता है, राइट? बट ना एक क्वेश्चन हुआ है, आरटीपी एमटीपी में आया है क्वेश्चन, उसमें क्या होता है ना, दोनों सेक्शन दिए हुए हैं, दोनों एप्लीकेबल है. मतलब बायर का टर्नओवर लास्ट ईयर का भी 10 करोड़ से ऊपर है और सेलर का भी टर्नओवर लास्ट ईयर 10 करोड़ से ऊपर है, तो अपन क्या करेंगे, नॉर्मली अपन क्या करेंगे, अपन ना TDS 194Q का लगा लेंगे, क्योंकि अपन क्या बोल रहे हैं कि वो प्रिवेल करता है. बट क्या दिया है वहां पे पूरे साल के ट्रांजेक्शन दिए हैं, पूरे साल के ट्रांजेक्शन दिए. तो आपके पास ध्यान रखना है क्या कि देखो 1721 तक क्या होगा, उसके पहले के ट्रांजेक्शन जो है उस पर ना 206C 1H लगेगा एंड इसके बाद अब दोनों सेक्शन आ गए, अब 194Q प्रिवेल करेगा, राइट? क्या बोला मैंने, फिर से बोल रहा हूँ, देखो 1721 के पहले अगर आपकी लिमिट 50 लाख के ऊपर हो गई तो उन ट्रांजेक्शन्स पे 206C 1H लगेगा, क्योंकि तब तक 194Q आया ही नहीं था, राइट? बट 1721 के बाद क्या प्रिवेल करेगा, क्या लगेगा, दोनों में अब 194Q प्रिवेल करेगा, राइट? ये बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछ सकता है, आरटीपी में पूछा है, आरटीपी एमटीपी कहीं पे एक क्वेश्चन में पूछा है चीज, ठीक है? अब गाइस नेक्स्ट सेक्शन है 43CA. 43CA में फॉर पीरियड बिटवीन 12/11/2020 टू 36/21 हम क्या लेते हैं, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 120% ऑफ सेल प्राइस, ठीक है? ये 120% है यहाँ पे. नॉर्मली 50C और 43CA में सब जगह 110% है, बट इस पीरियड के बीच में 120% चलता है अगर वो बिल्डर है और वो घर बेच रहा है, याद है आपको, याद है, ठीक है? तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर, क्योंकि बेटा आरटीपी में क्वेश्चन नंबर 12 में एमसीक्यू में पूछा था ये चीज, क्या हुआ था, हमने 8 फ्लैट्स बेचे थे, उसमें से 3 फ्लैट्स में क्या हुआ था, वो 36/21 के पहले बेचे थे और 5 फ्लैट्स 36/21 के बाद बेचे थे. तो इस रूल के कारण, 43CA के कारण उनकी ना दोनों में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बदल गई थी, क्योंकि एक जगह 110% कंसिडर करना था और एक जगह 120% कंसिडर करना था. तो आप ये चीज का ध्यान रखना है, डेट का ध्यान रखना. डेट आपको अलग से याद रखनी नहीं है, पर मैंने अब छोटा सा वीडियो बना दिया तो याद रख लेना. अब लास्ट में बता रहा हूँ, वंस इन अ लाइफ टाइम ऑप्शन. दो जगह आपको वंस इन अ लाइफ टाइम ऑप्शन रहता है. फर्स्ट, आप अगर सेक्शन 54 में दो हाउस का एग्जेम्पशन ले रहे हैं, कैपिटल गेन आपका अगर 2 करोड़ तक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 2 करोड़ तक के है, तो आप दो घर का एग्जेम्पशन ले सकते हैं सेक्शन 54 में. ये वंस इन अ लाइफ टाइम ऑप्शन है. और दूसरा ऑप्शन बिटवीन SLM एंड WDV, वो भी आपका वंस इन अ लाइफ टाइम ऑप्शन है, एक बार आपको सिलेक्ट करने मिलता है, ठीक है? तो ये चीजें मैंने बता दी बेटा, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं. अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें आपको सारे ऐसे अपडेट्स मिलते जाएंगे लास्ट डे के लिए. और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, और आपको अगर नई डेट्स मिलती है कोई, आपको पता है नई डेट्स कुछ है इसके अलावा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लो, बाकी लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट, सी यू. और बहुत सारा कॉन्टेंट अभी आ रहा है आज दिन भर में, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड रहना, ठीक है? बाय बाय.